बेटा है। सो यार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर द इंडियन टेक चैनल पर। दोस्तों आपको पता होगा पीएस वीटा का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए रिलीज हो चुका है, और उसमें जो है आप लगभग PS3 और PS4 के कुछ गेम्स का जो है खेल सकते हो, उनको एंजॉय कर सकते हो। और ये गेम बिल्कुल अभी नया नया है, फिर भी अच्छी क्वालिटी में रन हो रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको लाइव मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, और किस तरह कैसे आपको कौन सी जो गेम है फाइल है डाउनलोड करनी है वो इस पूरे वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है 3 APK। तो जैसे ही करेंगे ये पहली ही वेबसाइट है जहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, बाकी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस लिंक पर आ जाएंगे, और यहाँ से आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर यह जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेनी है। तो जस्ट 15 MB का एप्लीकेशन है, तो फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश रहने देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये दो फाइलें हैं, डाउनलोड फ़ॉन्ट पैकेज और इंस्टॉल फर्मवेयर, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर इसके डाउनलोड लिंक पर पहुँचा देगा, और सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड अपडेट कर देना है। दोस्तों जैसे ही अगर आप इसको फ़ोन में चलाओगे तो ये जल्दी से डाउनलोड होगा नहीं, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके रखना है। इसको क्लिक करने के बाद इसको ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे जो हमारी फाइल है यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दी है, और ये कुछ ही देर में डाउनलोड भी हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वीटा पर, और यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड फ़ॉन्ट पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ से जो है इन दोनों फाइलों को डाउनलोड कर लेते हैं, और इसके बाद इसको इंस्टॉल कर। अब जो दो फाइलें हमने डाउनलोड की हैं वो यहाँ पर बारी बारी इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आना है, और यहाँ पर जहाँ पर आपने उनको इंस्टॉल किया है तो वहाँ से उनको अपडेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड में किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PUP वाली फाइल होगी। तो यह है 134 MB, और ये 56 MB की दो फाइल हैं, क्योंकि मैंने पहले की हुई थी तो ये दोबारा हो गई है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, और ये थोड़ा टाइम ले जाएगा इसको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर एक फ़ाइल जो है हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब अगली फाइल यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पैकेज ले रहा है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो हमें नेक्स्ट फाइल जो है यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो 54 MB वाली फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, 56 MB वाली। तो यहाँ पर ये देखिए इंस्टॉल हो रही है, और ये जल्दी ही जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जैसा है आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर यू हैव कंप्लीट वीटा सेटअप इज राइट, यहाँ से ओके कर लेंगे। और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर कुछ इनकी कंडीशन आ जाएंगी। यहाँ पर आपको ये जो है टिक हटा देना है, नहीं तो हर बार ये यहाँ पर आता रहेगा। यहाँ से टिक हटाने के बाद यहाँ से आपको सिंपली क्लोज कर लेना है, एक क्रिएट यूजर कर लेना है। फिलहाल मैं आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसी को कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके कर देता हूँ।
और यहाँ पर जो है क्लिक यूजर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो है PS Vita, PS4 और PS3 कंसोल जैसी स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो अब सिंपली हमको यहाँ पर जो है अपनी गेम इंस्टॉल करनी है। तो अब आपको सबसे ज़रूरी पार्ट बताता हूँ कि गेम आपको कैसे इंस्टॉल करनी है और कौन से फॉर्मेट में इंस्टॉल करनी है। तो चलिए अब आपको एक गेम डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अनचार्टेड नाम की गेम यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, आपको ये जो पहली वेबसाइट दिख रही है romsfun.com, तो यहाँ पर आपको आ जाना है और जो है ISO फाइल यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हम सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये कुछ इस तरीके से ऐड वगैरह दिखाएगा। इसके बाद यहाँ बैक आ जाएंगे और आपको ध्यान देना है जो आपका जो गेम डाउनलोड करना है कोई भी गेम है, फ़िलहाल ये NTSC वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसी को डाउनलोड करना है। अगर आप इसमें से ये कुछ भी डाउनलोड करोगे तो जो आपका गेम है काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो ये इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है NTSC वाला, यही फाइल आपको डाउनलोड करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइप है NONPDRM वाला फॉर्मेट ही सपोर्ट कर रहा है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद कुछ देर वेट करना है और वेट करने के बाद जो है हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको डाउनलोड करने में। तो चलिए जस्ट डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो इस तरीके से देखिए आ चुका है। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और ये जो है फाइल है जिस फोल्डर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फ़िलहाल मैंने UC में चलाया हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये क्रोम में डाउनलोड करना है, वहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है। तो अब आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। सिंपली आपको फाइल मैनेजर पर आना है, तो यहाँ पर फाइल मैनेजर पर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की और जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जेड अचीवर, यह आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर आने के बाद जो मेरी गेम है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने काफ़ी सारी गेम ट्राई करके देखी है तो कोई भी गेम काम नहीं कर रही है, जैसे वॉकिंग डेड वाली .VPK फॉर्मेट में है, इसने काम नहीं किया है। तो इसलिए ताकि आपका टाइम बचे इसलिए सीधा मैं ये देखिए ये अनचार्टेड की गेम है, ये NTSC वाला फॉर्मेट और 7Z में है आया है। तो आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है, व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं पर भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी की हुई है ये फाइल, ये देखिए ये वही फाइल है। इसको कॉपी करने के बाद इस फोल्डर को मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ। जैसे ही आप इसको करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए इसको ओवरराइट नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इस ऐप वाले फोल्डर को इस तरीके से क्लिक करना है, इसको कंप्रेस टू जिप कर देना है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी की हुई है। जब आप इसको जिप कर दोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइल है गेम की वो रेडी हो जाएगी। अब सिंपली हमको अपने उस पर वीटा पर आना है। तो यहाँ पर वीटा पे आने के बाद आपको यहाँ फाइल में आना है और इंस्टॉल जिप VPK वाले पे सेलेक्ट कर यहाँ फाइल सेलेक्ट करनी है। और फाइल सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपने जिप फाइल बनाई है तो वहाँ पर आपको आना है। तो मैंने फ़िलहाल वो DCIM वाले फोल्डर में बनाई है, ये वाली गेम है, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा। जैसे इसको सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो है इंस्टॉलिंग होने लगी है। अरे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तब तक मैं वीडियो
दोस्तों वैसे तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है ये नया नया है, अर्ली स्टेज में है, तो कुछ बग वगैरह भी इसमें है। और ये अभी ज़्यादातर बहुत सारी गेमों को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। आप गेम डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि उसमें चले ना, जैसा और फॉर्मेट है उनको, पर ये काम नहीं कर रहा। फ़िलहाल इसी फॉर्मेट में ये काम कर रहा है, और यही वाली गेम जो है इंस्टॉल हो रही है जो मैंने अभी बताया है। तो आप और फॉर्मेट ISO वगैरह कुछ भी डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपका जो है डेटा भी ख़राब होगा और साथ में साथ आपका टाइम भी ख़राब होगा। तो सिंपली जिन गेमों के पीछे ये जेड वाला है, वही गेम आप इसमें चला सकते हैं। जो मेथड मैंने बताया है बिल्कुल इजी मेथड है। तो यहाँ पर ये गेम के साइज के हिसाब से जो है टाइम ले लेता है, तो देखते हैं कितने टाइम में ये इंस्टॉल होती है। जैसे इंस्टॉल होगा ये यहाँ पर गैलरी पर जो गेम है शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है गेम है हमारा पूरी तरीके से। यहाँ से ओके कर देते हो, देखते हैं जो हमारी गेम यहाँ पर आ चुकी है। तो इसका वो ओपन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कुछ लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बटन वगैरह शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से सेटिंग में जाकर जो है अपनी जो बटन वगैरह हैं इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें कोई भी रिमोट या PS4 का कंट्रोलर वगैरह खेल के आराम से जो है अपनी गेम एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गेम डाउनलोड हो चुकी है, तो ये टच स्क्रीन पर भी काम करता है। तो मैं यहाँ से इसको चालू कर देता हूँ। बटन दोनों ही काम करते हैं, तो इजीली आप इसी तरीके से अपनी कोई भी गेम है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली वर्किंग, और साउंड वगैरह आपको गेम का आ रहा होगा जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा।